हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, है ना। चलो जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? 2 cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड एंगल थीटा। और ये गिवन है आपको कि ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, राइट? तो मैंने क्या किया, इसको नोट डाउन किया पूरा। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा कितना आया, हाफ। ठीक है, cos थीटा कितना आया, हाफ। तो cos, मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, देख लेना आप लोग, कोई बात दोबारा समझो तो। cos, ओके, ये आपको नहीं पता, cos 60 की वैल्यू होती है ये हाफ, राइट? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये देख लो इस तरह क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल में कोई मल्टीप्लाई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी तरह क्वेश्चन है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos 3 थीटा कितना आया, हाफ, है ना। यहाँ पे भी एंगल निकालना है, सेम चीज़ है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो 3 थीटा कितना आएगा, 60, थीटा कितना आएगा, 20 डिग्री, राइट? और देख लो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे थीटा केवल सिंगल में नहीं, उसके मल्टीप्लाई में कुछ दिया हुआ है। जैसे कि मैंने लिखा tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है 1 का वैल्यू होती है tan 45 डिग्री पर होती है। तो 5 थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री, और थीटा कितना आएगा, 9 डिग्री। तो ये सब आपका आंसर है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह क्वेश्चन करने में भी, राइट? चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी कोमा ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड बीसी, है ना, कैलकुलेट साइड बीसी। चलो क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं, क्या फिगर है इसका, सॉल्यूशन। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये मान लो कोई रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंगल बी ए सी कितना है, बी ए सी, इसको मिला लो इससे, कितना है भाई ये, 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल बी सी 60 डिग्री दिया हुआ है, और क्या साइड पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो आपको पता है ए बी 20 है, तो डी सी भी 20 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये मैंने एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में, है ना, इस वाले ट्राइंगल में आप क्या लगाओ, आपको देखो किन दो साइड्स में रिलेशन चाहिए, इन दो साइड्स में रिलेशन चाहिए, इसमें और इसमें। हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, उसका कोई मतलब नहीं, आप साइन कोस नहीं लगाओगे, राइट? मतलब आपको किस साइड्स में रिलेशन चाहिए, मुझे इस साइड में और इस साइड में रिलेशन चाहिए, इसलिए मैं टेन लगाऊंगा। साइन में तो क्या होता है कि हाइपोटेनस इन्वॉल्व होता है साइन कोस में, राइट? तो साइन कोस तो मुझे नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है ए सी कितना है, तो उसको नहीं लगाया। तो इस वाइट ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन
60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, टेन सिक्सटी वैल्यू रूट थ्री, बी सी एक्स है, ए बी कितना है 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20√3, राइट 20√3। तो ये क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज ए पॉजिटिव इन इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा गामा इज ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच डेट such that sin alpha plus beta minus gamma is equal to half comma cos beta plus gamma minus alpha is equal to half and tan alpha plus gamma minus beta is equal to 1। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन इसका, तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है आपको, है ना, हाफ। तो हाफ साइन में वैल्यू कब होती है, 30 पे, तो कितना आएगा साइन 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ये 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए इक्वेशन वन। नेक्स्ट देखो इसी तरह से सेम, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस में हाफ कब होता है 60 पे, कॉस 60 डिग्री, तो बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन टू, टू है भाई इक्वेशन। और देखो टेन अल्फा गामा माइनस बीटा वन, तो टेन में कब होता है 45 डिग्री पे, टेन 45 डिग्री, तो अल्फा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इक्वेशन थर्ड। अब देखो तीनों इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, देखो एक बार अल्फा में नेगेटिव है, एक बार बीटा में नेगेटिव है, और एक बार गामा में नेगेटिव है। ठीक है, अब तीन देखो, तीन अनोन आपके पास, अल्फा बीटा गामा, और तीन ही इक्वेशन है, पहली दूसरी तीसरी, तो यानी कि सोल्व हो सकते हैं। अगर देखो तीन इक्वेशन नहीं होती तो हम सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो मैं सोल्व कैसे करूँगा, अगर मैं इन तीनों को इक्वेशन को ऐड कर दूँ, है ना, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दूँ मैं ऐड, देखो गामा लिखा मैंने, बीटा गामा अल्फा लिखा, अल्फा गामा बीटा लिखा, ये कितना है 30, ये कितना है 60, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपकी, ये थर्ड है, ये तीनों इक्वेशन को मैंने नोट डाउन कर लिया। अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड क्या मिलेगा, देखो इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, मतलब अल्फा बीटा गामा नेगेटिव, यानी कि एक अल्फा एक बीटा एक गामा कैंसिल हो जाएगा। मैं कर देता हूँ कैंसिल, मेरा इस अल्फा से ये अल्फा गया, इस गामा से ये गामा गया, इस बीटा से ये बीटा गया, देखो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा गामा बचा गया, तो अल्फा प्लस बीटा गामा कितना है 90 प्लस 40 130 प्लस 5 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये तो फोर्थ इक्वेशन आ गया हमारे पास, अब इसका यूज करना। देखो मुझे क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा कितना 30। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन फोर में से, या इसमें करो एक काम, इसको निकलो
थर्टी प्लस गामा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, और इस वैल्यू को उठा के फोर्थ में रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर, ठीक है, रख दो अल्फा प्लस बीटा जो 30 प्लस गामा, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू कह रहा हूँ मैं, तो इसको मैं नोट डाउन करो 135 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 30 प्लस गामा 135 डिग्री, इसकी वैल्यू एक गामा और भी तो है, ये वाला गामा यहाँ लिख दिया, तो 2 गामा इज इक्वल टू 105 डिग्री, राइट, तो गामा कितना है 105 अपॉन 2 डिग्री। बोलो जी कोई डाउट है? नहीं होगा ही नहीं, चलो यहाँ की गामा की वैल्यू सिमिलरली है ना, आई थिंक आप निकाल लोगे, एक और निकाल देता हूँ फिर मैं बीटा छोड़ दूँगा, अपने आप निकाल लेना आप, ठीक है जी, कर सकते हैं आप लोग। देखो अब सेकंड इक्वेशन था, ये सेकंड वाली उतार लो, क्या दिया था, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू 60, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, 60 प्लस अल्फा, रख दो फोर्थ में उठा के, पुट इन इक्वेशन फोर, रखो इसको नोट डाउन किया दोबारा, 135 डिग्री इक्वेशन फोर है ये, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या, 60 प्लस अल्फा, 60 प्लस अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा ये रहा, तो 135 डिग्री, तो 2 अल्फा कितना आएगा, 60 चला गया 75 है ना, तो अल्फा कितना है 75 डिग्री बाय 2 है ना। गामा के लिए आप, बीटा के लिए आप कर सकते हो है ना, मैं नहीं कर रहा, आप लोग करके देना, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका क्या आएगा, गामा के लिए, बीटा के लिए सॉरी, ठीक है, बीटा के लिए जो आंसर आएगा आपका वो 45 डिग्री आना चाहिए, सॉल्व करके देखना, नहीं तो करना सेम करना है, करना क्या है, इसको उतारना है यहाँ से, इसको नोट डाउन करना है यहाँ से, कितना आएगा 45 डिग्री बीटा, सॉरी 45 डिग्री बीटा, इसको उठा के फोर्थ में रख देना, ठीक है, वहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 45 आएगा, ये तीन आंसर आ गए आपके, वैल्यू निकालनी थी निकाल दी हमने, ठीक है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है कि सिमेट्रिसी बन रही, देखो यहाँ पे अल्फा माइनस में है, बीटा माइनस में है, गामा माइनस में, एक बार तीनों को ऐड करो, इस तरह का रिलेशन बन जाएगा कुछ, इनको मैनिपुलेशन कर लो जैसे मैंने किया है, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, इसी तरह की मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है इसमें ना, क्वेश्चन नंबर जो भी है ना, इन ए इन एन एक्यूट इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ठीक ए बी सी कोमा इफ टेन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, ये वन दिया हुआ है, एंड सेक बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में, तो कोई बच्चा बोलेगा सर हमें दो इक्वेशन दी है, टेन ए प्लस बी, एक इक्वेशन तो मेरी ये रही और एक इक्वेशन यहाँ लिखते हैं इसको, एक इक्वेशन मेरी मैं ही सोल्व कर दूंगा फिर इनको, सेक बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू टू, ये दी हुई है, दो इक्वेशन दी है, अननोन कितने हैं तीन, तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। देखो एक्चुअली इक्वेशन से नहीं होता है ना, इक्वेशन से नहीं होता है, कंडीशन से होता है, दो तो इक्वेशन है लेकिन एक कंडीशन भी तो है, देखो कि ये जो एंगल है ये ट्राइंगल के एंगल है, ये जो मेरे एंगल है ये किसके एंगल है, ये ट्राइंगल के एंगल है, राइट, ठीक है ना, उसने ट्राइंगल बोला हुआ है कि ट्राइंगल, और ट्राइंगल से आपको पता है कि आप एंगल में प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इस ये दिया हुआ है कंडीशन, ट्राइंगल से आपको क्या पता है,
कि आप एंगल में एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके दो इक्वेशन नहीं, तीन इक्वेशन ही है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या लगा सकते हैं वॉल्यूम ट्रायंगल से, कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 180 डिग्री। हो गए तीन इक्वेशन, पहली, दूसरी और तीसरी, ये रही, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, कि एक कंडीशंस भी काउंट होती है इक्वेशन सोल्व करने के लिए, है ना। सीख जाओगे आगे जाके ना, अभी बेसिक सीख रहे हो। चलो तो टेन में वैल्यू वन कब होती है, 45 डिग्री पे, तो मैंने 45 डिग्री दिया, राइट। इधर देखा, सेक में वैल्यू टू कब होती है, देखो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। कोस का रेसिप्रोकल है, कोस में हाफ वैल्यू कब होती है, 60 पे, यानी कि यहाँ पे भी किस में होगी, 60 पे होगी, ठीक है। तो बी प्लस सी माइनस ए कितना आया, 60। तो फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड फोर्थ बोल दो, इसको इक्वेशन फाइव बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, फोर्थ और फिफ्थ को, चलो ऐड देखते हैं क्या होता है, ऐड फोर्थ एंड फिफ्थ, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ऐ देखो, ए से ए कट जाएगा आपका, ये रहा, सी से सी कट जाएगा आपका, तो 2b कितना आया, 2b 105 डिग्री, तो b कितना आया, 105 डिग्री बाई 2। कोई दिक्कत किसी को, नहीं ना। तो आपकी पी की वैल्यू आ गई, अगर आप पी की वैल्यू ऊपर रख दोगे उठा के, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा ए प्लस सी में, है ना। चलो ओके, ए प्लस बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, नाउ ए प्लस बी माइनस सी कितना है, 45 डिग्री। ये देखो पहले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ से मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँ, 45 डिग्री प्लस सी, और इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूँ, है ना, पुट इट इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूँ, थर्ड को नोट डाउन किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी वैल्यू क्या है, 45 डिग्री प्लस सी 180, 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो कितना आएगा, 135 आई थिंक, ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 135 डिग्री बाई 2। देखो आपको दो एंगल बचल गए, तीसरा एंगल आप नाम निकाल सकते हो, कैसे, समेशन ऑफ होल, ये यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, b प्लस ए की वैल्यू 60 रख देंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। कर ही देता हूँ, चलो ये वाला पार्ट मैं कर ही देता हूँ, नीचे क्या गिवन है आपको, बी प्लस सी माइनस ए 60 डिग्री गिवन है, और ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री भी गिवन है। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, थर्ड, और ये वाली इक्वेशन आई थिंक फिफ्थ है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इससे बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, 60 प्लस ए, और इसमें रख दी थर्ड में, तो ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितनी है, 60 प्लस ए 180 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, 2a 120 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, बी पता चल गया आपको और सी भी पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, राइट। चलो और देखते हैं, अब आई थिंक कोई क्वेश्चन बचा लिए हैं करने के लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, फिर मैं इसको खत्म कर लूँगा। इसमें बेटा ये है कि आपको अगर मतलब टेबल याद है जो मैंने आपको एंगल टेबल बनाई थी, तो
क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, नहीं याद है तो नहीं होंगे, है ना। ये चीजें इसमें और कुछ नहीं है। चलो इन ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी कॉमा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पार्ट लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन ए कोस ए इंटू ए, ठीक है, प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये दिया हुआ है ना। देखो एंगल ए और सी इन्वॉल्व है इसमें, और ए और सी के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो फिगर बना लिया, पहले क्या किया मैंने, फिगर मैंने ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने फिगर बना लिया कि बी पे मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए बी सी मैंने इसको बोल दिया। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये 45-45 डिग्री होने चाहिए क्या, बोलो। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, ऐसे कर लो एंगल ए एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ए और सी इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी 90 है, 180 ट्वाइस ए एंगल ए इज 90, एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल ए 45 तो एंगल सी भी 45 है, जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे 45 बस हो गया क्वेश्चन। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, सेम इधर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, लो ऐसे दिखा देता हूँ, 2/2 इजकल टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ाने को। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। नेक्स्ट क्या भैया आपका, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो इसमें ये कुछ थ्योरम से याद करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले वो देख लिया, कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। मतलब एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल मैं क्या लूँगा 90 माइनस अल्फा, तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। ये तो हमने पढ़ा होगा बचपन से। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना, कुछ भी बोल दो उनको, थ्योरम बोल दो, वो आप याद करने इस चैप्टर के लिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा, कोस की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा टेन के लिए कितनी है, कोट थीटा, कोट के लिए कितनी है, टेन थीटा, सेक के लिए कितनी है, कोसेक थीटा, कोसेक के लिए कितनी है, सेक थीटा, ठीक है। देखो साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कोट में कन्वर्ट होता है, कोट टेन में कन्वर्ट होता है, और सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद करना, ये भी याद कर लिया कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कोस में, कोस साइन में। देखो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टू वे रिएक्शन है ना, साइन कोस में, कोस साइन में, ठीक
टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है, राइट। या ये आप इस तरह से याद कर सकते हो, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक को सेक में कोसेक सेक में। तो आपको याद करने हैं, अब इन दोनों को ऑब्जर्वेशन देखो आपकी, इन दोनों एंगल का और इस तरह एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। ऊपर मैंने अभी बोला देखो, अल्फा और 90 में अल्फा की का सम कितना है 90, कॉम्प्लीमेंट्री सेम यहाँ पे 90 में थीटा, और थीटा क्या है, इन दोनों सम कितना है 90, तो ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। कोई दिक्कत? चलो इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, पक्का आएगा ये क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। टेबल का तो आएगा ही आएगा, और एंटिटीज का आएगा, एंटिटीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन देखो, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। चलो मैंने क्या लिखा, कोस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट साइन 41 डिग्री, कोस 49 डिग्री, तीसरा पार्ट टेन लिखा है, नीचे कोट लिखा है 54 डिग्री, और ये क्या है 36 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इनका, देखो सॉल्यूशन देखने से पहले मैं ना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या कैसे तुम्हें हिंट लेना है। हिंट के लिए लेट मी यूज रेड पेन, रेड इंक। ये 37 और 53 का सम कितना है, 90 है क्या, यानी कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। और आपको मैंने बताया साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पे भी साइन लिखा है तो नीचे कोस ही लिखा है, टेन किस में कन्वर्ट होता है, कोट में, देखो यहाँ पे नीचे कोट लिखा हुआ है। तो यानी कि ये हिंट है बेटा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, यही हिंट है। इधर भी देख लो, 41 और 49 का सम कितना है 90, 54 और 36 का सम कितना है 90, ठीक है ना। और टेन कोट साइन कोस ये सब हिंट है। चलो कर लेते हैं फिर सॉल्यूशन। हिंट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हिंट कैसे पकड़ना है। चलो जी, मैंने अब क्या इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। कोस 37 साइन 53 डिग्री में लिख दिया, ठीक है जी। ओहो एक मिनट जरा, ठीक है चलो। तो मैंने किसी एक को चेंज किया, मैंने सपोज करो इसको चेंज किया, इसको मैंने क्या लिखा, 37 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 37 को, देखो 37 को लिख रहा हूँ, 37 को मैं 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो। और मैंने क्या बोला, किसी एक को चेंज करना है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप से कुछ दिख जाए तो किसी एक को चेंज कर दो, या ऊपर चेंज कर दो या फिर नीचे चेंज कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे ये है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा कितना है, कोस साइन थीटा 53, साइन 53 साइन 53, इसका आंसर कितना आएगा 1। देखो सेम क्वेश्चन ये लिखा है, इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, किसी एक को चेंज कर दो, है ना। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट देख लो, यहाँ देख लो सेम क्वेश्चन है, साइन 41 डिग्री कोस 49, इसे और नीचे चेंज कर देता हूँ, साइन 41 डिग्री। अब मैंने कोस को तो ऐसे रहने दिया, 49 को चेंज किया 90 माइनस 41, साइन एक इसको चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। कोस 90 माइनस थीटा कितना था, साइन थीटा, साइन थीटा 1, ठीक है। जरूरी नहीं मैं कोस को ही चेंज करूँ, आप साइन को भी कर सकते हो, मतलब आप साइन कर सकते हो 90 माइनस 49, तो वो कोस बन जाएगा, कोस 49 अपन कोस 49 1 ही आएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, टेन 54 को 36 डिग्री, तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया, टेन 90 माइनस 36 डिग्री, 54 को लिख दिया मैंने ऐसे, कोट 36 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा क्या 36 डिग्री, और ये भी 36 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 1।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि सबसे पहले क्या देखा कि सम देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आ रहा है क्या, मतलब 90 आ रहे हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। फिर देखा टेन कोट ही लिखे हैं क्या, साइन कोस ही लिखे हैं क्या, है ना, सैग कोसैग ही लिखे हैं क्या, इस तरह से देख लिया। और इस तरह से जो भी आपको हिंट लगा वो कर दिया मैंने। चलो और देखो क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। ये लिखा हुआ है साइन 39 डिग्री माइनस कोस 51 डिग्री, ठीक है, ये पहला पार्ट है। यहाँ पे वही इवैल्यूएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है इसकी। सेकंड पार्ट देखो, कोस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। थर्ड पार्ट, कोसेक 25 डिग्री सेक 65 डिग्री, ठीक है जी। देखो इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, साइन 39 की वैल्यू नहीं पता, साइन 59, कॉस 51 की वैल्यू नहीं पता, 13 की नहीं पता, 77 की नहीं पता, है ना। तो अभी भी इस तरह क्वेश्चन आए जिसकी वैल्यू ना पता हो, तो चेक कर लिए एक बार कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका 90 डिग्री है क्या, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है क्या, है ना, इन दोनों का सम 90 डिग्री है क्या, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। पहला पार्ट साइन 39 कोस 51 डिग्री, देखो चेक करो इसका और इसका सम 90 डिग्री है क्या, है ना, है। देखो 9 इधर चला गया 60 60 वाला 30 90, और देखो साइन और कोस ही लिखे हैं, किसी एक को चेंज कर दिया, वही वही रूल है, किसी एक को ही चेंज करना है। 90 माइनस 51 डिग्री कोस 51 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों कट गए, प्लस का है माइनस का है, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कितना जीरो। ये देख लो सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कोस लिखा है, यहाँ पे साइन लिखा है, स्क्वायर टू स्क्वायर से डालना नहीं है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका 13 और 77 से कितना 90, है ना, वही पे पट लेंगे, तो कोस स्क्वायर 13 डिग्री साइन स्क्वायर 77 डिग्री, फिर चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, किसी एक को चेंज करना, ऐसा मत करना इसको भी चेंज कर दिया, है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे वैल्यू नहीं आएगी, मतलब आपको समझ रहे हो ना, दोबारा दूसरी एक्सप्रेशन बन जाएगी किसी और फॉर्म में। तो स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर कुछ नहीं है ना, ये कोस 90 माइनस थीटा लिखा होगा, कोस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, तो दोनों सेम है फिर से, तो आंसर इसका भी जीरो। थर्ड देख लो, देखो कोसैक और सेक लिखा है, 25 और 65 का सम कितना है 90, ये हिंट है दोबारा से, कोसैक और सेक लिखे हुए दोबारा, तो किसी एक को चेंज कर दिया मैंने फिर से, 90 माइनस 65 सेक 65, तो कोसैक सेक में कन्वर्ट होता है, और इसको ऐसे के ऐसे ही रखा, फिर आंसर कितना आया जीरो, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह क्वेश्चन भी आप कर लोगे, अब तो मैंने आपको भी बता दिया कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत है तो यू कैन टेल मी। चलो है ना, हो गया इस तरह क्वेश्चन। और देखो इसी तरह के मैनिपुलेशन कुछ और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूफ डेट, प्रूफ करवा रहे क्या, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री इक्वल टू जीरो। इसको फर्स्ट पार्ट छोड़ो, क्वेश्चन नहीं है ना। तो देखो पहले मैंने क्या देखा, इन दोनों का सम 90 हाँ है, लेकिन साइन साइन लिखे हुए हैं, साइन साइन में कन्वर्ट तो नहीं होता, साइन तो कोस में होता है। फिर मैंने यहाँ देखा इन दोनों का सम भी कितना है 90 है, फिर यहाँ पे कोस कोस में कन्वर्ट नहीं होता, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला साइन, ये वाला 35 इससे कोरिलेट होके जो मैंने आपको हिंट दिया वो बना रहा है, देखो 35 55 90
और साइन और कोस लिखा है, और ये वाला इसके साथ कोरिलेटर की रिलेशन बना रहा है। ठीक है, इन दोनों कोरिलेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मैंने सपोज करो इस वाले पार्ट में, मैंने इस वाले पार्ट में इसको चेंज कर दिया, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, और मैंने अगर इसको चेंज किया तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ही चेंज कर दिया, इस साइड वाले को ही, उसको मैंने ऐसे कैसे रखा। तो साइन थर्ट, इसको नोट डाउन ही कर देते हैं पहले, साइन 55 डिग्री, कोस 35 डिग्री, कोस 55 डिग्री, है ना, पहले जस्ट नोट कर ली इसकी। तो मैंने क्या कहा, मैं इस साइड के ही चेंज कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 55 से कोरिलेट है ना वो, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। और इधर वाले को चेंज किया मैंने, साइन 90 माइनस 35, कोस 35, कोस 55 डिग्री। तो ये कितना हो गया, कोस 55 डिग्री, और ये कितना हो गया, कोस 35 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है, कोस 35 डिग्री, कोस 55 डिग्री। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लिखी है क्या, तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आई थिंक अब आप कर लोगे, है ना। नहीं होते तो यू कैन आस्क मी डाउट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके डाउट के आंसर दे दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना। ऐसे नहीं है कभी भी आपने आज पोस्ट किया तो मैं आपको कल आंसर दे दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, मैं भी बिजी रहता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो भी नंबर है ना मुझे नहीं पता, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, राइट, 0 एंड 45, 0 एंड 45 डिग्री। ये 45 है, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 85 डिग्री, कोसेक 85 डिग्री, मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो एंगल लिखा हुआ है ना 85 डिग्री, इस पूरी यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको जो एंगल दिखाई देंगे वो 0 से 45 डिग्री के बीच में दिखाई देने चाहिए, ये 85 जो एंगल है वो 45 से बड़ा है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ कर लिया, साइन 85 लिखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना चीज़ों में, मैं तुम्हें साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई 85 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस 85 है क्या, यानी कि 5 डिग्री है क्या, ये बताओ। ठीक है ना, यानी क्या है, 5 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है क्या, पता है आपको, अगर मैं थीटा की वैल्यू 85 डिग्री ले लूँ तो कॉस 90 माइनस 85 डिग्री आएगा, और 90 माइनस 85 कितना होता है, कॉस 5 डिग्री। ठीक है, तो मैंने तो क्या कह दिया, आपको पता होना चाहिए साइन कॉस में चेंज होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 5, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ हर बार। ठीक है, देखो साइन का कॉम्प्ली साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 5 डिग्री हो गया। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 5 हो गया चेंज, राइट। तो मैं हर बार ऐसे ही करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टेन 68 डिग्री
68 डिग्री। अब टेन किस में चेंज होता है, कोट में। 68 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 32 आई थिंक, नहीं सॉरी 22 है ना, 22। देखो ये 2 यहाँ जगह 70, 70 प्लस 20 90, इसका तो 20 बचल गया, 22 बचल गया मुझे। सेक किस में होता है, कोसेक में चेंज होता है, हो गया चेंज। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 22, ऐसे लिख सकते हो। और देखो एक और देख लो लास्ट, कोसेक 69 डिग्री, कोट 69 डिग्री। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, कोट किस में चेंज होता है, टेन में, ये लिख लिया पहले। 69 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, देखो 1 ऐड करोगे 70 आएगा, और 2 कितना बच गया, 90 से 21, तो यानी कि 21 बच गया, ठीक है। प्लस तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 21। तो इस तरह से हमने इन एक्सप्रेशन को उस एंगल में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पे आपको एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में ही दिखाई दे रहे हैं या लाइक कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि कैसे करने हैं, ठीक है ना। बता दी मैंने आपको ट्रिक, बता दी। साइन देखा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में कन्वर्ट होता है, और एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेना भाई कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग है ना, इवेलुएट फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका, टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। टेन 5, 25, 30, 65, 85। वही देखो, मुझे 5 की वैल्यू नहीं पता, मुझे 85 की वैल्यू नहीं पता, तो 30 की पता है मेरे को, है ना, उसको मैंने छोड़ दिया। कोई को मैंने आपको कहा, जब आपको वैल्यू ना पता हो तो आपका दिमाग सीधा क्लिक करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। इसको देखो ये 90 हो रहा है क्या, इन दोनों को देखो ये 90 हो रहा है क्या, हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, ये तो आपको हिंट बताऊँ, 30 की वैल्यू मुझे पता है। सॉल्यूशन देखो आप, ये ऐसे लिखा हुआ है, 10 5, मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया, साथ में लिख दिया, क्लब क्या कर दिया, साथ में लिख दिया। 10 25, 10 65, 10 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों का ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है। क्लियर? तो किसी एक को चेंज कर लो, या वही जो मैंने बताया इसको चेंज करना है। क्या लिख दो, 10 का क्या होता है, कोट, और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 85 डिग्री। एक को चेंज करना नहीं है, एक किसी एक को करना है मल्टीप्लाई में सब। इसको मैंने ऐसे कैसे ही रखा, 10 का क्या होता है, कोट, 10 कोट में कन्वर्ट होता है ना, कोट। 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 25, ठीक है। 10 30 की वैल्यू मुझे पता है, मैं बाद में लिखूंगा। अब ये देखो, कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो देख लें यहाँ पे। बगल में 10 a लिखूँ तो वो क्या होता है, 1/cot a, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 10 a × cot a इजकल टू क्या होता है, 1। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ कि अगर दोनों एंगल सेम है, देखिए दोनों एंगल सेम है, ये याद रखना कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। 10 a × cot a क्या आएगा, 1। देखो यहाँ पे देखो, दोनों एंगल सेम है क्या, ठीक है, तो ये कितना है, 1। यहाँ पे देखो, ये दोनों एंगल सेम है क्या, तो ये कितना आया, 1। 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, का आंसर कितना आ गया, 1/√3 आंसर, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन है, इस बार किस में दिया हुआ है, कोट में दिया हुआ है। वही देखा मैंने भाई, 12 लिखा है, 78 लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 38 लिखा है, 52 लिखा है कॉम्प्लीमेंट एंगल, 60 मुझे वैल्यू पता है, ठीक है, 60 वैल्यू मुझे पता है।
देखो फिर से सॉल्यूशन सिंपल है, ये भी नोट डाउन कर लो पहले। कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78, क्लब किया मैंने जो जो इसके साथ लिख सकते हैं। कोट 78, कोट 38, कोट 52, कोट 60 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम है क्या 90, इन दोनों एंगल का सम है क्या 90, है ना। तो किसी एक को चेंज कर दो उठा के। चेंज कैसे करना है मैं आपको पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर में बता चुका हूँ, ऊपर देख सकते हो आप, है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह इसी में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। फिर आपको ट्रिक से बताया कि चेंज कैसे करना है, ठीक है। चेंज कैसे करना है, कोड कितना चेंज होता है 10 में कन्वर्ट होता है, और 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 70, वही कन्वर्ट। कोड किस में कन्वर्ट होता है 10 में कन्वर्ट होता है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 52, तो कोड 52, कोड 60 डिग्री। अभी मैंने ये बताया ये कितना होता है 10 इंटू 10 ए इंटू कोटे कितना होता है 1, 10 ए इंटू कोटे कितना होता है 1, कोड 60 डिग्री को बताइए तो आंसर कितना है 1 इंटू 1 कोड 60। देखो 10 60 कितना होता है रूट 3, तो कोड 60 कितना होगा 1.3, तो इसका आंसर भी कितना आया 1/3, ठीक है। तो ये आंसर भी आ गया आपका, तो इस तरह क्वेश्चन भी हमने कर लिए, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, राइट। चलो और क्वेश्चन देखो, अब थोड़े से क्वेश्चन है ना अलग तरह के हैं, अभी तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी, और देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स में बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, जब 11th क्लास में आओगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 10th में हम बार बार क्यों बोलते थे कि ये एक्यूट एंगल है। तो अभी तो मैं जो लिखा है क्वेश्चंस में वो नोट कर रहा हूँ, रीजन नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये मैं नोट कर लिया, तो इसकी वैल्यू निकालनी मेरे को। अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ना यहाँ पे भी साइन होता था, यहाँ पे भी साइन होता था, तो मैं एंगल को इक्वल रख देता था। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, लेकिन आप कोस को साइन में कन्वर्ट तो कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 4 थीटा, बोलो कोई दिक्कत है क्या? वही क्या, देखो कोस को साइन में कन्वर्ट किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, यही है 90 माइनस 4 थीटा, तो है वही मैंने लिख दिया भाई। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो 4 थीटा कितना होगा 90 माइनस 4 थीटा ही ना होगा। तो ये साइन और साइन दिख गए मेरे को इक्वल है, अब एंगल इक्वल रख दो। अब ध्यान रखना इस बात का, ये साइन से साइन नहीं काटना है बुक में, पेपर में, सॉरी 90 माइनस 4 थीटा। तो ये इधर लेके आ जाओ, 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना आया 90/9, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, आ गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि जो साइन लिखा है तो साइन के इक्वल करेंगे हम, साइन को कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी आंसर सही ही आता, ठीक है ना। किस में भी कर दो, या तो साइन को कोस को साइन में कर दो या साइन को कोस में कर दो, हमें तो बस ये देखना कि दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए, एनी हाउ वो हम इक्वल कर दिए हमने, ठीक है जी। और देखो क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, ठीक है। 2a acute है तो a 90 degree से कम ही होगा, find the value of a,
चलो एक वे निकालनी है, वही क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखो भाई, वही हिंट है यहाँ पे भी देखो, टैन ए दिया हुआ है और कोड ए दिया है ना, सेक वेक नहीं दिया, टैन और कोड दिया है, साइन और कोस देगा, सेक और कोसेक देगा, और कुछ नहीं देगा है ना, टेंशन मत लेना इस बात की। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ कोट लिखा है, यहाँ टेन लिखा है, दोनों इक्वल नहीं, दोनों को इक्वल बनाना है, तो मैंने टेन इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं टेन करके कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इसको कर रहा हूँ यहाँ पे ना, आप माइनस प्लस की गलती कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि कोई बच्चा क्या करेगा, साइन चेंज ही नहीं करेगा अंदर के ब्रैकेट के, है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ इसको हमें क्या लिखेंगे, अगर मैं कोट को चेंज करूँ तो एक्चुअली इसको ये लिखना पड़ेगा, है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे माइनस ए माइनस 18, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है ही नहीं, मिस्टेक होने के चांसेस कम है, तो मैंने क्या किया इसको कोट 90 माइनस 2 ए लिख दिया, कोट ए माइनस 18 डिग्री। अब कोट कोट सेम होगा, यानी कि एंगल सेम होगा, ठीक है, तो 90 प्लस 18 ए प्लस 2 ए, ये कितना है 108 3 ए, तो 3 ए इज इक्वल टू 108 डिग्री है ये, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 6, ये ए है ना, 108 को आपने 108 को 3 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इट डिग्री आंसर आपका। क्लियर समझ में आ गया ना, उस साइड कोट ए माइनस 18 साइड मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि बच्चे माइनस प्लस की गलती कर सकते हैं, उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको इस साइड चेंज करना है जहाँ पे माइनस प्लस नहीं है ना, इट्स इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके चलो भाई आगे चलें फिर, किसी को कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट, आई विल लीव, और मैंने आपको बता दिया कि टेन कोट आएगा, साइन कोस आएगा इस तरह क्वेश्चन में, सेक कोस आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्लियर, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, देखो और देखो, ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा मेरा लंबा रहेगा यूजुअल लेक्चर से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी इस क्रैश कोर्स को देखेंगे या देख रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स रहेगा ये हर साल के लिए, मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि मुझे बार बार ना बनाना पड़े हर साल। तो क्वेश्चन देखो, 10 1 × 10 2 × 10 3 डिग्री, ठीक है, सोन कर रहा है ना, 10 89 डिग्री, ये आपको वन प्रूफ करना है, लिख लें आप प्रूफ डेट, ठीक है। चलो जी आप देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ 89 लिखा हुआ है, अच्छा इससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 10 88 आना चाहिए ना, 88 और ये 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 91 और 89 में क्या बना रहे हैं, यानी कि ये नंबर इस तरह से लिखे गए हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम 90 है, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का सम 90, थर्ड नंबर और फ्रॉम द एंड थर्ड नंबर का सम कितना है 90 है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक मिनट रुको, मतलब सीरीज में पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो पैटर्न कुछ इस तरह से क्या है कि 1 और 89 डिग्री फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 2 88, 3 87, 4 86, 5 85, कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। अब देखो हर टर्म में इनका सम कितना है, 90 आ रहा है क्या, है ना 90 ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इनको पेयर कर दिया, सॉल्यूशन देखो आप, 10 1 10 89, एक पेयर बन गया, 10
टू टेन 88, दूसरा पेयर बन गया टेन थ्री टेन 87, ये बन गया। ऐसे चलता रहा, लास्ट का पेयर क्या आएगा ये कैसे पता लगाओगे, है ना। अब देखो, हाँ, 1 से लेके 89 तक नंबर जा रहे हैं, 1 से लेके 89 तक नंबर जा रहे हैं, यानी कि नंबर कितने ओड है। जब ओड नंबर होते हैं और आप पेयर बना रहे हो दो दो नंबर का, ना पेयर में दो ही नंबर आएंगे, पेयर बोल दिया मैंने बड़े, तो एक नंबर बच जाएगा लास्ट में, तो नंबर कौन सा बचेगा। देखो, कभी इस तरह की सिचुएशन में अटक जाओ ना कि इतने सारे नंबर हैं 89 तक और लास्ट का पेयर बनाना स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट से इधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से मतलब एंड से सेकंड, थर्ड स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड। तो मैंने क्या किया, ओड नंबर है तो मैंने, आपने लॉजिक पकड़ने के लिए आपने तीन ये ओड नंबर ले लिया, तीन कह रहा हूँ, ये आपने ये पाँच या ए यहाँ ले लो, ये ओड नंबर है क्या। जब आप इनको पेयर कर रहे हो, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ठीक है, तो देखो जरा तीन तो इधर आए और तीन इधर आए, ये मिडिल टर्म है क्या, यानी कि केवल आपकी मिडिल टर्म बचती है ना, आपकी क्या बचती है, केवल मिडिल टर्म बचेगी आपकी इस तरह से पेयर करने में, मिडिल टर्म बचेगी। मिडिल टर्म आएगी कैसे, टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं 89, 89 में एक ऐड करो और बाई टू कर दो। देखो यहाँ से यहीं से आ जाएगा लॉजिक, ये भी कि मैंने क्या किया कि सेवन में एक ऐड किया और बाई टू कर दिया, देखो फोर ही आएगा, है ना। तो इसकी मिडिल टर्म क्या है 45, इसकी मिडिल टर्म क्या है 45, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 10 44 और लास्ट वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 46, ठीक है, समझ में आया कुछ, है ना। मैं देखो एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, दोबारा सुन लो एक बार और, क्या हुआ इसमें मैंने पेयर बनाने स्टार्ट करे, मतलब आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट एंगल और लास्ट वाले एंगल का सब 90 डिग्री है, क्लियर, इधर से सेकंड एंगल और उधर से सेकंड लास्ट एंगल का सब भी 90 डिग्री, तो इस तरह से ये अरेंज है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया साइड में, देखो 1+89, 2+88, 3+87, इस तरह से अरेंज है। अब बात ये हुई कि ये हमने अरेंज करना स्टार्ट किया, लास्ट में क्या नंबर आएगा, ठीक है ना, लास्ट में क्या नंबर आएगा पेयर करते करते वक्त। तो पहला पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, ये लास्ट का पेयर है। अभी एक नंबर और बचेगा, मैं लिख देता हूँ उसको, वो 10 45 डिग्री बचा जो मिडिल टर्म है। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि आप कभी इस सिचुएशन में फंस जाओ कि ओड नंबर्स हैं और पेयर बनाने स्टार्ट किए तो बीच मतलब नंबर कौन सा बचेगा। तो देखो पहली बात तो ओड नंबर है यानी कि एक नंबर कन्फर्म बचना है, अगर ये नंबर इवन होते ना मतलब ये 88 तक होता तो हर नंबर का पेयर बन जाता, कोई भी सिंगल टर्म नहीं बचती आपकी। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये बेचारा अधूरा रह गया, इसको इसको कोई नहीं मिला, है ना, ये बेचारा दुखी है। वन को सेवन से मैंने कर दिया क्योंकि ओड नंबर टर्म्स नहीं है, देखो ओड नंबर टर्म्स हैं, वन से साथ चला गया, टू सिक्स के साथ चला गया, थ्री फाइव के साथ चला गया, कौन बचा, जो मिडिल में बैठा हुआ है वो बच जाएगा, है ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो अब सात क्या करो, सात ग्रुप बच्चे ले लो ग्रुप में क्लास में से और एक बेंच पे बिठा दो उनको, और फर्स्ट को लास्ट को निकाल दो, सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड को निकाल दो, लास्ट से सेकंड को निकाल दो, थर्ड को निकाल दो स्टार्टिंग से, लास्ट वाले थर्ड को निकाल दो, आपको खुद पर चल जाएगा जो बच्चा मिडिल में बैठा था ना वही बचेगा, ठीक है। बेचारा वो गलती कर दी उसने मिडिल में बैठ के, उसे कोई इतनी मिला। चलो ये तो ये मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, वही सेवन लास्ट वाली टर्म में एक ऐड किया और बाई टू कर दिया, तो 89 प्लस 1 90, ये दिखा देता हूँ मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म 89 प्लस 1 बाई टू कितना आएगा 45, तो ये आपकी मिडिल टर्म है। तो सॉल्यूशन देख लो, पेयर तो मैंने करी दी, समझा गया आपको। अब इनकी वैल्यू क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने एक को चेंज कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मैं इसको कोट वन लिख दूँ क्या, देखो 10 को कोट में किया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे यहाँ पे किया, 10 को कोट में कन्वर्ट किया और 88 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इस तरह से मैं करता चला गया 10 44 और कोट 44 इंटू 10 45 डिग्री। तो ये तो मैं बता चुका हूँ 10 है इंटू कोट है 1 होता है ना, एंगल सेम है,
तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये सब सब क्या आएंगे, वन ही आएंगे। 10 45 भी वन होता है, ठीक है। तो आंसर कितना है, वन इंटू वन इंटू वन कितना होता है, वन ही होता है। प्रूफ, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात और, ऐसा क्वेश्चन है ना, साइन कोस भी नहीं बन सकता, टेन में ही बनेगा, क्योंकि साइन इंटू कोस वन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कोट में बन सकता है, टेन में बन सकता है, लेकिन साइन कोसाइन इन सब में नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे करें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके फिर मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, ताकि ज़्यादा लेंदी ना बने, आप लोग अपना टाइम देना फिर इसको करने, इसको देखने के लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और है, इसी तरह का ना, इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोस कोस है ये, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, कोस 5 डिग्री, कोस 180 डिग्री, ये है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो बच्चों के सामने क्वेश्चन आया, वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाने बैठ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया 10 वाले में, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था उस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये लिख लेते हैं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, भाई 1 170 180, है ना, ये तो 180 बन रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 90 आएगा ना, कोस 90, कोस 89, ठीक है। तो 89 और 1 कितना होता है, 90 होता है, फिर 88 2 90 होता है, 87 3 90 होता है, इस तरह से बना सकते हैं ना। तो वो नहीं करना आपको ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना नहीं है आपको, ठीक है। क्यों नहीं बनाना बता रहा हूँ, देखो ये 1 से लेके 180 तक लिखा है, ठीक है, 1 से लेके 180 तक लिखा है, और बीच में कहीं कोस 90 आया होगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो कुछ देखा ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, टेन कोड में ही वो क्वेश्चन आ सकता है, साइन कोस कोसेक सेक में क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आंसर 1 आ जाए, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन की, तो कोस 90 इसके बीच में आएगा, आएगा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अब इनकी वैल्यू कुछ भी है, कोस 1 की वैल्यू कुछ भी हो, कोस 2 की वैल्यू भी कुछ भी हो, कोस 3 की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो जीरो की से मल्टीप्लाई होने के कारण इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आंसर। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। तो आप वीडियो देखो, कमेंट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, थैंक यू।